क्या आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स अभी तक यूट्यूब पे नहीं पूरे हो रहे हैं और आप ये थक चुके हैं कि अब यूट्यूब पे कुछ नहीं है, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप ये सब अगर सोचना बंद नहीं कर दिए तो मेरा नाम श्रेयांश पांडा है। क्यों दोस्तों मैं ऐसा इसलिए आपको आप सभी को बता रहा हूँ क्योंकि आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिससे जो आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि आपने कभी सोचा तक नहीं होगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स इतनी तेजी से बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये जो ट्रिक है ये मैंने अपने पर ही लागू किया है और मेरे भी सब्सक्राइबर्स इससे बढ़ रहे हैं डेली। मतलब 10 सब्सक्राइबर्स मैं डेली इस ट्रिक से आपको बढ़ा सकता हूँ और वो सब्सक्राइबर जेन्युइन सब्सक्राइबर एक्टिव सब्सक्राइबर वो भी एक्टिव सब्सक्राइबर्स है। हाँ दोस्तों, एक्टिव सब्सक्राइबर्स है, एक्टिव व्यूअर्स है और वो ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो आपके वीडियो को देखेंगे, आपको वॉच टाइम को बढ़ाएंगे और आपके चैनल को ग्रो करेंगे। हाँ दोस्तों, ग्रो करेंगे यही ठीक है। दोस्तों आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो होगी जिसमें आपको बताया जा रहा होगा कि चैनल सब्सक्राइबर को इंक्रीज किए, क्या आपको बताया जाएगा? जैसे आपको बता दिया जाएगा कि आप यूट्यूब पर जिसके बारे में सर्च कर रहे हैं उस पर सर्च कीजिए, उसके नीचे कीवर्ड्स आ जाएंगे, आप उन्हें उठा के अपने यूट्यूब वीडियो में डाल दीजिए। ये बताएंगे नहीं तो किसी ऐप के बारे में बताएंगे जिससे सबसे बड़ा ऐप तो यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल से आपको बता देंगे कैसे आप सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं। वेबसाइट को बता देंगे, कई सारी वेबसाइट से बना दिए, जैसे माई टूल टाउन के बारे में आपको बता दिया जाएगा वेबसाइट से, सब सब्सक्राइबर इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर उसमें से कोई भी ट्रिक अगर आपको काम की होगी तो आप मेरे चैनल को अभी अनसब्सक्राइब कीजिए, डिसलाइक कीजिए वीडियो को और भद्दा से कमेंट करिए और जाइए मेरे चैनल पर कभी विजिट ना कीजिए। क्यों दोस्तों मैं ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो सब ट्रिक्स है, जब मैं भी छोटा यूट्यूबर थोड़ा था तो मैं ये सब ट्रिक को अजमा चुका हूँ और इससे मेरे कोई भी चैनल में कोई भी तकनीक नहीं आई है, कोई भी यूजफुल वो ट्रिक उसमें से नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसे मैं आपको पहले से सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि वो सब वीडियो आपके कोई फायदे की नहीं होने वाली है। और दोस्तों मैं ये इस वीडियो को आप देखने के बाद आपको ये जरूर ट्रिक ही ट्रिक काम करेगी। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों ये ट्रिक मैंने आपको कुछ फॉलो किया है और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों मैं अपने YT स्टूडियो में जाता हूँ, YT स्टूडियो में जाने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं, YT स्टूडियो में जाने के बाद मैं रीच कैप्शन पे जाता हूँ, रीच कैप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल पे कितना अभी ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं। दोस्तों देखिए मेरे सब्सक्राइबर्स अभी 100 सब्सक्राइबर थे लेकिन अब मेरे 171 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 171 यानी कि मैंने सिर्फ 5 दिन में 70 सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज कर लिया है। दोस्तों 70 सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज कर लिया मैंने केवल इस ट्रिक्स को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप बताइए, अगर मैं इसको 5 दिन में 70 सब्सक्राइबर्स कर सकता हूँ तो आप 1 महीने में बताइए मैं कितने सब्सक्राइबर्स कर सकता हूँ, आप खुद ही सोच के कमेंट में बताइए। तो दोस्तों इस ट्रिक्स को इसीलिए आप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों इस ट्रिक्स को मैं बताऊंगा और इस ट्रिक्स को बताने के लिए आप कोई भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, तो अगर आप कोई भी वीडियो को स्किप करते हैं तो जरूरी जरूर आपके चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं इंक्रीज नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, आपको सीधा ट्रिक के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पे आपको मोबाइल का एक स्क्रीन दिख रही होगी, मैं उसी में आपको ट्रिक्स बताता हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। ठीक है तो दोस्तों इस ट्रिक्स को बताने के लिए ध्यान सुनिए, मोबाइल यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है, आपको क्या करना है अपने मोबाइल स्क्रीन में जाना है, जाने के बाद आपको क्या करना है, एक यूट्यूब ऑप्शन में आपको जाना है, यूट्यूब ऑप्शन में जाने के बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, YouTube एप्लीकेशन में आपको जाने के बाद आपको सर्च करना है जितने भी बड़े चैनल हैं आपकी कैटेगरी के, जो भी बड़े चैनल हैं उनके नाम आपको यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, आपके कैटेगरीज के जितने भी बड़े चैनल हैं उनका नाम आपको यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, तो जैसे मैं सर्च करता हूँ मेरे कैटेगरी का जो सबसे बड़ा चैनल है मनोज दे, सबसे पहला नाम हमें मनोज दे दिख रहा है, मनोज दे हम यहाँ पे सर्च करते हैं। देखिए दोस्तों हमने मनोज दे यहाँ पे सर्च किया तो कुछ स्थिति का इंटरफेस आपको देखने को मिल गया था। ठीक है, मनोज दे आपको लोगो दिख रहा है, लोगो के ऊपर कुछ आपको देख रहे हो टैग्स, मनोज दे फर्स्ट वीडियो, मनोज दे ज्योति, मनोज दे ये, मनोज दे वो, ये आपको दिख रहा है ना, तो यही वो ट्रिक है, ध्यान से देखिए दोस्तों। अब आपको ये क्या करना है, इन सभी टैग्स को यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको सारे टैग्स को क्या करना है, कॉपी कर लेना है, तो यहाँ पे कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद नहीं तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लिया मैंने, अब यहाँ से आपको वापस जाना है, YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करना है, नहीं तो क्रोम ब्राउजर में भी YT स्टूडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं डेस्कटॉप साइट में करके। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
अपनी जिस वीडियो में आपको टैग्स लगाना है और ये काम एकदम अपनी नई वीडियो में करना है जो एक घंटे पुरानी हो, 5 मिनट पुरानी हो, इसी में आपको ये ट्रिक्स काम करेगी, वरना पुरानी वीडियो में काम नहीं करेगी। क्योंकि दोस्तों पुरानी वीडियो को यूट्यूब ज़्यादा सजेस्ट कर नहीं लाता है, नई वीडियो से आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आपको जिस वीडियो में से इस ट्रिक्स को यूज करना है उस ट्रिक्स को, तो पहले आपको क्या करना है कि आपको उस वीडियो को प्राइवेट कर लेना है। ठीक है, उस वीडियो को आपको प्राइवेट कर लेना है। ठीक है, तो मैं प्राइवेट कर लेता हूँ। प्राइवेट करने के बाद ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, प्राइवेट करने के बाद आपको एडिट वाले ऑप्शन में जाना है। एडिट वाले ऑप्शन में जाने के बाद नीचे आपको दिख रहा है, नीचे टैग्स के ऑप्शन में जाना है। टैग्स के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सब टैग्स को डाल देना है। मनोज दे ज्योति, मनोज दे फर्स्ट वीडियो, मनोज दे ब्लॉग, मनोज दे यूट्यूब सब्सक्राइबर कैसे बनाए, ये सब आपको डाल देना है। ठीक है, ये सब डालने के बाद बस आपको टैग्स में डालना है दोस्तों, केवल और केवल टैग्स में डालना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टैग्स में ही आपको ये सब डालना है। डिस्क्रिप्शन में ना डालिए और टाइटल में भी कुछ छेड़छाड़ नहीं। ठीक है, ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पे जरूर ध्यान देना है कि यस दिस इज नॉट फॉर किड्स, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको रहना चाहिए नो दिस वीडियो इज नॉट फॉर किड्स, ये रहना चाहिए, नहीं तो यूट्यूब आपकी वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम कर सकता है। ठीक है, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना होने के बाद आपको अपनी वीडियो को तुरंत थंबनेल कुछ मत चेंज कीजिएगा, बस टैग्स में डाल दीजिएगा ये सब। ठीक है, टैग्स में डालने के बाद आपको क्या करना है, टैग्स में डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद आपको कम से कम दो तीन घंटे के बाद वीडियो को पब्लिक कर देना है। ठीक है, पब्लिक कर देना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, वीडियो में आई कार्ड जो आता है और इन स्क्रीन जरूर रखना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो ये ट्रिक आपको काम नहीं करेगी। तो दोस्तों यही वो ट्रिक थी जिससे आप अपने चैनल सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज कर देते हैं। दोस्तों अब मैं बताता हूँ इससे होगा क्या, ध्यान सुनिए इससे होगा क्या। दोस्तों अब क्या होगा, बहुत देख रहे थे जो आप टैक्स देख रहे थे वो टैक्स क्या करेंगे, वो रैंक करते हैं। ठीक है, तभी तो वो मनोज दे के ऊपर है। अब आप कोई भी सर्च करेगा बंदा मनोज दे, तो मनोज दे चैनल के लोगों के उसके छोटी सी वीडियो आएगा और उसके नीचे तुरंत आपकी वीडियो शो करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा ये लेट मत कीजिए, अभी तुरंत कीजिए क्योंकि बहुत सारे बंदे ये कर रहे होंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप जरूर ये कीजिए जल्दी। और इसको डालने के बाद अब क्या होगा, आपकी वीडियो क्या करेगी, मनोज दे के सामने रैंक करेगी। जब भी मनोज दे की वीडियो कभी भी चलेगी आपके और आपके किसी बंदे के सामने, तो उसके नीचे सजेस्ट करेगी आपकी वीडियो सजेस्ट करेगी, ये वीडियो आप देख लीजिए, ये वीडियो आप देख लीजिए। और दोस्तों आपको पता ही, अगर आपकी वीडियो सजेस्ट होने लगी तो समझिए आपकी वीडियो सर्च में आने लगी, व्यूज बढ़ेंगे, व्यू होना शुरू हो जाएगा बच्चे। ठीक है, शुरू हो जाएगा। और आप कोई मान लीजिए कोई बंदा सर्च करें मनोज द फर्स्ट वीडियो, मनोज द फर्स्ट वीडियो, अगर आपको उस वीडियो टॉपिक है भी नहीं तभी भी अगर वो सर्च करता है तो आपकी वीडियो पहले या दूसरे नंबर पर जरूर ही जरूर रैंक करें, ये मेरा आपसे 100% गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके, तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी।